हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द डुकाटी पैनिगली 959 के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ये एक डिटेल वीडियो होगा हमारी तरफ से। सो बिना समय बर्बाद के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहले अगर अभी इस बाइक का फ्रंट इन देखें तो सामने एलईडी हेडलैम्प आते हैं और साथ में आपको यहाँ पर मिलता है डे टाइम रनिंग लाइट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट जो मैं आपके लिए कवर अप करने वाला हूँ। और साथ में अगर अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको एक विंडशील्ड मिलता है वाइट कलर का और साथ में आपके दोनों तरफ है दोनों ORBMs। सो वेन यू टॉक अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो द फ्रंट सस्पेंशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज फुल्ली एडजस्टेबल शोवा BPF फोक्स 43mm क्रोम्ड इनर ट्यूब्स का सस्पेंशन आपको मिलता है। एंड द फ्रंट टायर साइज ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज 125/17 ZR के 17 इंच व्हील्स आते हैं विथ 320mm डिस्क ब्रेक के साथ। और यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो इन पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुकाटी की बैजिंग मिल जाती है छोटे साइज पर। और अगर आप इस बाइक के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे, अगर अब इस बाइक की लेंथ की बात करेंगे तो दैट इज़ 2056 mm, एंड अगर अब इस बाइक के वेट की बात करेंगे तो दैट इज़ 810 mm, एंड अगर अब इस बाइक के हाइट की बात करेंगे तो दैट इज़ 1115 mm। एट द सेम टाइम अगर अब इस बाइक के व्हील बेस की बात करेंगे तो दैट इज़ 1431 mm। और अगर अब इस बाइक के दोनों साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ ही पैनिगली फुट्स की बैजिंग मिल जाती है। और अगर अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डुकाटी की बैजिंग मिल जाती है। साथ में अगर भी इस बाइक के बोर्ड एंड स्ट्रोक की बात करेंगे तो बोर्ड इज़ 100mm एंड द स्ट्रोक इज़ 60mm। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट जो मैं आपके लिए कवर अप करने वाला हूँ। एंड अगर अभी इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो इसको 955cc का इंजन मिलता है। टू गेट प्रोड्यूस 154 BHP ऑफ पावर एंड द 107 Nm ऑफ टॉर्क विद 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। And when you talk about the ground clearance of this motorcycle, so the ground clearance of this motorcycle is 125 to 146 mm. साथ में इसको liquid cooled का cooling system आपको मिल जाता है। And अगर इस bike के rear tire size की बात करेंगे तो इसको rear में 180/60 ZR के 17 inch के wheels आते हैं with 245 mm disc brake के साथ। And when you talk about the rear suspension of this motorcycle, so the rear suspension of this motorcycle is fully adjustable Sachs unit. एल्यूमिनियम डबल साइडेड का सस्पेंशन आपको मिल जाता है। और इस बाइक में आपको जो फुटरेस्ट मिलता है दे आर कम्प्लीटली पिलन फुटरेस्ट फॉर श्योर। व्हेन यू लुक एट द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो रियर से ये बाइक बहुत ही स्पोर्टी दिखती है। एंड एट द सेम टाइम अगर भी इस बाइक के टेल लैम्प की बात करेंगे तो इसको LED टेल लैम्प का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप मैं इस बाइक के इंडिकेटर्स की बात करूँगा तो इसको बल्ब टाइप इंडिकेटर मिलता है फॉर श्योर। और इस बाइक में आपको स्टेप सीट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर इस बाइक के सीट हाइट की बात करेंगे तो दैट इज़ 810 mm, एंड द फ्यूल टैंक कैपेसिटी आल्सो 17 लीटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट जो मैं आपके लिए कवर अप करने वाला हूँ। एंड दिस इज़ फॉर योर लेफ्ट साइड कंट्रोल्स, आपके हाई बीम लो बीम का स्विच, आपके हॉर्न का स्विच, आपके टर्न इंडिकेटर का स्विच एंड आपके पासिंग लाइट का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। दिस इज़ फॉर योर राइट साइड कंट्रोल, आपके सेल्फ स्टार्ट का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर अब इसके हैंडल बार्स की टच एंड फील और मटेरियल की बात करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। नाउ यू विल सी द फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर RPM का सिग्नल मिलता है, उसके नीचे आपको स्पीड दिया हुआ है और उसके नीचे लेफ्ट साइड पर आपको न्यूट्रल या गियर इग्निशन
इंडिकेशन मिलता है और साथ में आपको टेम्परेचर भी मिल जाता है, मतलब कि फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये बाइक आती है। ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर कुछ भी छूट गया हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाए। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक।